नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पार्टी के नेताओं को बड़ा संदेश दिया। उनके बयान को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों तर्क दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल पर कांग्रेस एकदम मौन है। आखिर अंदरूनी झगड़ा कब और कौन खत्म करेगा? कांग्रेस आला कमान के दर पर देव धनाधन नेताओं की भागम भाग आपको दिखाई देगी। मंथन तो जारी है, लेकिन उस मंथन से कुछ निकलता नहीं दिख रहा। आज नवजोत सिंह सिद्धू की दोबारा पेशी हुई, उससे पहले हरीश रावत, कमलनाथ से लेकर प्रशांत किशोर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। कांग्रेस का संकट समझिए। पंजाब में हरीश रावत की नियुक्ति कैप्टन और सिद्धू के बीच युद्ध में संकट मोचक के तौर पर की गई है। अब तक पंजाब का पंगा तो नहीं सुलझा, लेकिन उत्तराखंड में हरीश रावत के नाम का ऐलान जरूर उलझ गया। ऐसा उलझा कि संकट मोचक खुद संकट पे फंसे तो यू टर्न लेते नजर आए। हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे जी। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा सर? लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि नहीं नहीं, मैंने जो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा, अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं। यानी सुलझते सुलझते और उलझ गई कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू की राह। इधर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के संकेत हरीश रावत ने दिए, उधर कैप्टन ने मोर्चा खोल दिया। दिल्ली आए थे तो कहा था आला कमान का हर फैसला सिर आंखों पर, लेकिन वो भी पलट गए। सिद्धू ने अपने गुट के साथ मीटिंग की तो कैप्टन ने अपने गुट के साथ। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं फिर पहुंच गई। वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में, और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। कैप्टन ने आंख दिखाई तो आज सिद्धू की आला कमान के दर पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत हरीश रावत से मुलाकात की। सिद्धू लौट गए, लेकिन पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक, मंत्री फिलहाल असमंजस की स्थिति में हैं कि जाएं तो कहां जाएं। एक तरफ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो पंजाब में पार्टी का मुख्य फेस है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो फिलहाल गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता बताए जा रहे हैं। सिद्धू की गांधी परिवार के साथ नजदीकियों के बारे में पंजाब कांग्रेस के भी तमाम नेता जानते हैं, और उन्हें अभी भी ये डर सता रहा है कि कहीं कैप्टन के बराबर ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर सिद्धू की पैरासूट लैंडिंग ना हो जाए। पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह का अंत कब होगा? तो इन सवालों पर उनका सिर्फ यही नपातुला जवाब होता है कि जो ऐलान आला कमान करेगा वो फैसला सबको मंजूर होगा। हम लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से एमएलए बने हैं, पार्टी ने हमें बनाया है। हाई कमांड हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और राहुल जी हैं। राहुल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था पंजाब में यूथ कांग्रेस के माध्यम से आम लोगों में से वर्कर उठाकर नेता बनाना। हम एमएलए बने हैं तो राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट से बने हैं, और जो भी राहुल जी और सोनिया गांधी जी फैसला लेंगे हम उनको साथ हैं। हमें जो भी दिल्ली हमारे
सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निर्णय ले, वो हमें सहमति है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है किसी व्यक्ति के लिए भी। हमारे परिवार का मसला है और जो हाई कमांड फैसला करेगी सबको मंजूर होगी। अगर विधायकों की संख्या पर नजर डाली जाए तो भी पलड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही भारी लगता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अभी भी 80 में से करीब 60 से 65 विधायक हैं। कैबिनेट के 17 मंत्रियों में से 13 मंत्री कैप्टन के साथ ही हैं। ज्यादातर सांसद, जिला के अध्यक्ष और अन्य निगम बोर्डों के चेयरमैन भी कैप्टन अमरिंदर के साथ ही हैं। संख्या के हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अब तक खुलकर सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक ही आए। पंजाब में भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी या फिर सरकार का समर्थन हासिल ना हो, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी बात पूरी सुनी जाती है। यही वजह है कि बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दबाव बनाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं। और दिल्ली में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैरंग लौटा दिया जाता है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी बात सुनी जाती है। और शायद यहीं से ही नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा है कि वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़े नेता हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।